أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. ये सूरह रूम की आयत नंबर 20, 21 और 22 ये तीन आयतें। पिछली आयत में ये बात चल रही थी कि एक बहुत बड़ा तबका इंसानियत का ऐसा है जो आखिरत का मुनकिर है, मरने के बाद की ज़िंदगी का मुनकिर है और बादल मौत का मुनकिर है, कब्र की ज़िंदगी का मुनकिर है। इन सारी चीज़ों से इनकार कर रहा है और इस इनकार की बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अपने अक़ल की बुनियाद पर इन सारी चीज़ों को सोचा है कि भाई अक़ल नहीं मान रही कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ज़र्रा ज़र्रा रेत का बनने के बाद फिर इंसान बनेगा, तो अक़ल में नहीं आ रही। ये कैसे मुमकिन है कि एक छोटी सी कब्र में इंसान गया है और इस कब्र में फरिश्ते भी आते हैं, इसमें हिसाब किताब भी है, ये जन्नत का बाग भी हो सकता है, ये जहन्नम का गढ़ भी हो सकता है, ये छोटी सी कब्र और इतनी बड़ी बातें। उन्होंने कहा भाई अक़ल में नहीं आ रही तो इनकार कर दी। तो इन सारी बातों के इनकार की बुनियादी वजह वो अक़ल का इनकार है, अक़ल नहीं कबूल कर रही। अच्छा, अक़ल इसलिए कबूल नहीं कर रही कि इंसान को अल्लाह की ताकत इसी तरह नज़र आती है जैसे मेरी और आपकी ताकत है। गलती है ना। जब तक इंसान को किसी की ताकत का अंदाज़ा नहीं हो तो वो गलत फ़ैसला करेगा। जैसे आप में से कोई साथी ऐसे होंगे यकीनन, बल्कि सब ऐसे होंगे जो माशाल्लाह जो है वो ज़ाहिरी जिस्म और जसामत के एतबार से तो हम सब एक तरह हैं, लेकिन अगर उसने एक मुक्का चला दिया तो शायद दांत तोड़ दे। अब ज़ाहिरन हमें उसकी ताकत का देखकर अंदाज़ा नहीं, लेकिन अगर उसने हकीकत में जौहर दिखा दिए तो बड़े बड़े मानने पर तैयार हो जाए। अल्लाह की कुदरत को जब तक इंसान कबूल नहीं करता और अल्लाह की ताकत इंसान इस पर ईमान नहीं लाता तो वो यही समझता है कि जैसे मैं कमज़ोर हूँ तो कोई भी ताकत इसी तरह कमज़ोर होगी। इसीलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की होती है कि इंसान अल्लाह पाक की कुदरत के कुदरत कामिला के तस्किरे करें। आज देखें ना, हम दुनिया की हर ताकत से दबे हुए, मरऊब हैं, परेशान हैं। वजह क्या है उसमें हकीकत कोई नहीं, लेकिन उसके तस्किरे बहुत ज़्यादा है, उसको फैला बहुत ज़्यादा गया और उस तस्किरों की वजह से हम उसके नीचे दब गए। अहले ईमान ने अल्लाह की ताकत के तस्किरे छोड़ दिए, अल्लाह की कुदरत के तस्किरे छोड़ दिए। आज ये सूरत हाल है। आज की जो आयात है इसमें अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामिला को समझाने के लिए अपनी ताकत का इजहार फरमाया है। अगर किसी को समझ नहीं आती कि अल्लाह की ताकत क्या है, कितनी है, कुदरत क्या है और कितनी है, तो इस रुकू में जो सूरह रूम का तीसरा रुकू है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामिला के छः नमूने पेश फरमाए। कितने नमूने? छः नमूने। उन छः में से तीन आयतें आज आप हजरात के सामने हैं।
और इन तीन आयतों में अल्लाह पाक ने उन तीन कुदरत के नमूनों का इजहार फरमाया। इन आयत का तर्जुमा है वमिन आयातिही, और अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है अन खलक़कुम मिन तुराबिन, कि अल्लाह पाक ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, तुम मिट्टी से पैदा हुए, ثم اذا انتم بشر, फिर उसी मिट्टी से पैदा होने के बाद तुम एक कामिल इंसान बन गए, तंतशिरून, जो चलते फिरते हो। आज इंसान चल रहा फिर रहा है, ये सिर्फ इतना सोच ले कि इसका वजूद चला कहाँ से। वमिन आयाती, नंबर दो, और अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि उसी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स में से पैदा की अज़वाजन, बीवियाँ, तुम्हारी जिन्स में से बीवियाँ पैदा की। क्यों बनाई? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनके ज़रिए से सुकून हासिल कर लो। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसी अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रख दिया। इन फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफक्करून, बेशक इसमें समझ की बड़ी बातें हैं लेकिन उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। वमिन आयाती, नंबर तीन, और अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, के आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम वालवानिकुम, और तुम्हारी बोलियों को, बोली, बोली जानते हैं बोलना, ज़बान, तुम्हारी ज़बानें भी अलग रखी, तुम्हारे रंग भी अलग रखे। इन फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिलआलिमीन, बेशक इन बातों में बड़ी निशानियां हैं, लिलआलिमीन, समझ रखने वालों के, समझ से जो काम लेंगे। तो ये तीन आयतें अल्लाह पाक की कुदरत के बहुत बड़े मज़ाहिर हैं, और अल्लाह पाक इस इंसान को समझाना चाहते हैं कि तुम अल्लाह की ताकत को अपनी ताकत के जैसा मत समझो। अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा लगाना है तो इन आयात के अंदर थोड़ा सा गौर व फ़िक्र कर लो, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आज हमारा एक मसला ये है दोस्तों, कि हम इस कायनात की बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं और उसकी तारीफ़ भी करते हैं, और आज उससे बढ़कर उसके फ़वाइद भी बयान करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये हवा चल रही है ना, तो कितना एक सुकून मिल रहा है। कराची में शदीद गर्मी है, बारिशें नहीं हुई, तो हवा से सुकून मिल रहा है, मिल रही है, राहत मिल रहा है, सब कुछ है, और हम उससे फ़ायदा भी उठाएंगे, उसके फ़वाइद भी बयान करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो असल चीज़ नज़रों से ओझल है, जिससे गफलत है, वो क्या है कि इस तरफ जहन क्यों नहीं जा रहा कि ये हवा कौन चला रहा और ये हवा किस ज़ात ने भेज दी। इतनी शदीद गर्मी थी और अचानक किस रुख से ऐसी नरम नरम, ठंडी ठंडी और ऐसी राहत देने वाली हवा भेज दी, तो वो ज़ात कैसी होगी, उसकी ताकत क्या होगी, उसकी मेहरबानी क्या होगी। और जिसने इस दुनिया में ये हवा रखी, आखिरत में तो जन्नत की हवा का क्या आलम होगा। अब देखिए ना, वो जो असल मरकज़ था समझने का, उसकी तरफ इंसान का जहन नहीं जा रहा इन बातों में कि भाई आज ये हो गया और ये हो गया, आज की पेशन गोई ये है और फलां की पेशन गोई। ये सारी चीज़ें तो आलात व असबाब है, उसको बहुत मेहनत के साथ इंसान आज सीख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, उस पर तबसरे भी कर रहा है, लेकिन उसके पीछे दोस्तों कुदरत कामिला की ज़ात कौन सी है? अल्लाह पाक की। उसके तस्किरे ही नहीं है, उसके तस्किरे ही नहीं है, तो अल्लाह की ताकत के तस्किरे नहीं हो रहे, यकीन कम हो गया। तो पहली निशानी क्या फरमाई कि भाई अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से। ये बात पहले भी कई दफ़ा आ गई कि मिट्टी से इंसान के बनने का मतलब क्या है, पहले दर्स में कई दफ़ा आ चुकी है बात। एक तो मतलब इसका बिल्कुल वाज़े है कि इंसान मिट्टी से बना, तो इससे मुराद इंसान अव्वल है,
इंसान अव्वल कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम का बराहे रास्त जिस्म वो मिट्टी से बनाया, मिट्टी के गारे से उसको पूरा बनाया गया आपके जिस्म मुबारक को, और उसी से आपका जिस्म जो है वो बनाया। और पूरी कायनात के मुख्तलिफ अज्जा की मिट्टी को, हर किस्म की मिट्टी को लिया गया है, उसका कुछ कुछ हिस्सा लिया गया। इसीलिए फरमाया ना, आज बनी आदम के अंदर जो इख्तिलाफ और फ़र्क है, रंग अलग है, मिजाज अलग है, इखलाक अलग है, कैफियत अलग है, ये सब चीज़ों का फ़र्क उस मिट्टी के फ़र्क से चला है। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में हर जगह की मिट्टी की आमेजिश लेके शामिल की गई। तो इंसान मिट्टी से बना, यानी इंसान अव्वल मिट्टी से बना, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा मतलब ये कि दुनिया के जितने इंसान गुज़रे हैं, मौजूद हैं या क़्यामत तक आएंगे, हर इंसान का वजूद मिट्टी का मोहताज है। क्यों? इसलिए कि ज़ाहिरन असबाब के दर्जे में, तो जैसे कल भी बात आई कि हमारा जिस्म बनता है पानी के एक क़तरे से, एक नुतफ़े से, नुतफ़े से, मादा मनविया से, उसको अल्लाह का हुक्म हो जाता है तो वो जिस्म बनने लग जाता है। लेकिन ये पानी का कतरा ये जिस्म में किस चीज़ से बनता है? खून से। और इंसान के जिस्म का खून किस चीज़ से बनता है? ग़िज़ा, खुराक से। और हमारी ग़िज़ा का बुनियादी हिस्सा वो ज़मीन की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। सब्ज़ियाँ हैं, अनाज है, ये सब ज़मीन से उग रही है ना, देखिए मिट्टी का इसमें असर है। या अगर चले हम गोश्त भी खा रहे हैं तो जानवर का जिस्म भी घास चर के बनता है, वो भी मिट्टी से। तो अल्लाह पाक ने इंसान को समझाया कि भई तुम्हारे जिस्म को हमने बनाया है, मिट्टी से बनाया, तुम कभी इस पे गौर तो कर लो, उस बेजान मिट्टी से तुम्हारा वजूद बन गया, अल्लाह ने बना लिया, तो उस ज़ात की ताकत कितनी बड़ी होगी। और हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बड़ी अजीब बात लिखी है दोस्तों, वाकई काबिल गौर बात है। हज़रत फरमाते हैं कि अनासिर अरबा, आप जानते हैं ना, चार चीज़ें अनासिर अरबा, किसी भी चीज़ के बनने में चार चीज़ों का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर है, उनको अनासिर अरबा कहते हैं, यानी आग, पानी, हवा और मिट्टी। आग, पानी, हवा और मिट्टी, चार चीज़ें हो गई ना, ये कहलाते हैं अनासिर अरबा। आप देखिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान से लेकर ये दीवार है, जो भी है, कहीं पर आग का इस्तेमाल हुआ है, कहीं हवा का हुआ है, कहीं पानी का हुआ है, कहीं मिट्टी का है, कहीं चारों का है, कहीं तीन का है, कहीं दो का है, कहीं एक का है, लेकिन अनासिर अरबा से कायनात की कोई चीज़ बाहर नहीं है दोस्तों, ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह की शान देखे कि इंसान के बनाने की जब बात की अल्लाह पाक ने, कि इंसान हमने तुझे पैदा किया, तो किस चीज़ का नाम लिया? मिट्टी का। अभी पढ़ा ना, खलकुम मिन तुराबिन, उन अनासिर अरबा में से अल्लाह पाक ने नाम किस चीज़ का लिया? मिट्टी का। तीन का नहीं लिया, तीन कौन सी चीज़ें रह गई? आग रह गई, हवा रह गई और पानी रह गया। तो हज़रत मुफ्ती आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखें, ये भी अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का एक शाहकार बयान किया। इन अनासिर अरबा में से ये जो तीन है ना, जिनका तस्किरा नहीं आया, उनमें फिर भी किसी न किसी दर्जे की हरकत है नहीं है? ये देखिए ना, हवा जिस्म से हमारी लग रही है, जा रही है ना, हवा हरकत में है दोस्तों। आग अगर कोई जला दे, चूल्हा जला दे, तो आग के शोले ऊपर जाएंगे, हरकत है ना, है ना? पानी है, पानी बह रहा होता है, आप समंदर में चले जाएं, उसकी लहरें बह रही है, गिलास में पानी भरे, वो हरकत में होगा, किसी ना किसी दर्जे में हरकत तीनों चीज़ों में। मिट्टी वो वाहिद अंसर है जो दब के ज़मीन पे खामोश है बिल्कुल, उसमें ज़ाहिरी तौर पे हरकत का कोई असर नहीं। अल्लाह पाक ने इंसान को समझाया कि उन अनासिर में से भी वो अंसर जिसमें ज़ाहिरी तौर पर ज़र्रा बराबर हरकत नहीं थी, उसको हुक्म हुआ तुम जीते जागते इतने खूबसूरत इंसान बन गए, फिर मेरी कुदरत पर यकीन क्यों नहीं आता? सोचने की बात है।
जब अल्लाह पाक ने इस इंसान के निज़ाम को उस मिट्टी से चला दिया, उस अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है दोस्तों कि वो अल्लाह पाक क़यामत के दिन हुक्म दे दे इसी कब्र को, इसी ज़मीन के अज्ज़ा को, ज़र्रात को, कि भाई दोबारा सारे इंसानों को निकाल दो। तो अल्लाह के हुक्म की देर होगी और सारे इंसान दोबारा, हदीस पाक में आता है, ये दौड़ते हुए मैदान महशर की तरफ चले जाएंगे। तो ये अल्लाह पाक की कुदरत का एक मज़हर है। दूसरी आयत में फरमाया कि अल्लाह की कुदरत की निशानी ये है कि खुद तुम्हारी जिन्स में से ही तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों का इंतज़ाम हुआ। इसलिए कि आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से बने, फिर उनके लिए अल्लाह पाक ने हज़रत हव्वा को, जो हम सब की माँ है, उनको पैदा फरमाया। तो वो किन से बनी जी? आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बन गई ना, वो पसली से बन गए। औरत अव्वल का जो वजूद इस कायनात में हुआ है वो मर्द की जिन्स से हुआ है। बात समझ रहे? मर्द की पसली से हुआ है, उनको वजूद दिया गया है। राजह कौल ये, तो इंसान के गोया के उसी के जिस्म से अल्लाह पाक ने उसके लिए औरत का, बीवी का इंतज़ाम फरमाया। और यहाँ देखिए, तस्किरा फरमाया तो अजवाजन फरमाया, निसान नहीं फरमाया, इसलिए कि एक मर्द के लिए एक औरत से जो मज़बूत रिश्ता है वो निकाह के ज़रिए से तय होता है, बग़ैर निकाह के नहीं हो सकता दोस्तों। अजवाजन फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियाँ पैदा की। और क्यों पैदा की? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनके ज़रिए से क्या करो? सुकून हासिल कर लो। इन दो लफ्ज़ों ने बड़ा कमाल किया है और इंसान को हकीकत समझा दी इस रिश्ते की कि भई ज़ौजैन और निकाह के रिश्ते का मकसद वो सुकून हासिल करना है, और सुकून से मुराद सुकून कल्बी है, सुकून कल्बी। इसीलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अगर इस रिश्ते में सब कुछ हो, अलिफ से लेकर या तक, दुनिया के सारे असबाब व आलात जमा हो जाए, सारी चीज़ें जमा हो जाए, लेकिन ये एक लफ्ज़ लितस्कुनु निकल जाए, बहुत बड़ी परेशानी, और इस निकाह का मकसद ही हासिल नहीं हो पाता, वो फौत हो जाता है। इसीलिए निकाह का मकसद क़ज़ाए शहवत नहीं है। आज हमें ये सिखा दिया जाता है, और चूँकि हम दीन से, इल्म से और इन चीज़ों से कटे हुए हैं, इस्लाह से ना, तो हर इंसान इस शौक़ में होता है कि भाई निकाह इसलिए हो रहा है कि क़ज़ाए शहवत होगी, अपनी जिन्स की ज़रूरियात को पूरी। वो तो अल्लाह पाक ने इजाज़त दी, वो एक ज़रूरत है, मकसद नहीं। निकाह का जो मकसद है वो लितस्कुनु इलैहा है, ताकि उसके ज़रिए से सुकून हो जाए। इसलिए आप देखें ना, औरत से आज का इंसान सबसे ज़्यादा अपनी जिन्स की ज़रूरत पूरी कर रहा है, लेकिन सुकून कहाँ गायब हो गया? सुकून क्यों नहीं मिल पा रहा? और सबसे ज़्यादा जो काफिर दुनिया है, ईसाई दुनिया है, जो दो तिहाई पर मुश्तमिल है तकरीबन, उन्होंने बदकारी का वो कौन सा रास्ता है जो नहीं खोला है? निकाह का कॉन्सेप्ट, फैमिली सिस्टम का निज़ाम, मियाँ बीवी का निज़ाम, वो उन्होंने तकरीबन 95% ख़त्म किया। और एक जुमला गढ़ लिया कि भाई जहाँ मुनासबत हो, मुनासबत एक दूसरे की ज़हनी हम आहंगी हो, उसके लिए फ्रेंडशिप का उन्वान बना दिया। उसके लिए कहा कि भाई कोई निकाह की कोई क़ैद नहीं हो, कि भाई निकाह होना चाहिए और रिश्ता होना चाहिए और मजलिस होनी चाहिए और गवाह होने चाहिए और मस्जिद होनी चाहिए, कोई मजहबी मकाम। कहा भाई ये तो इजाफी बातें, क्या हो? कहा भाई इसके लिए तो ज़हनी मुनासबत हो, और ज़हनी मुनासबत के लिए कहा कि एक मर्द औरत फ्रेंडशिप करें नऊज़ु बिल्लाह आपस में, और कुछ वक्त जो है वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो आपका क्या ख़्याल है कि ये एक दूसरे को समझने के लिए कोई आमाल के मुज़ाकरे करेंगे आपस में? अजनबी मर्द औरत का इख्तलात होगा तो ये कोई एक दूसरे को इखलाक और किरदार की बातें समझाएंगे? इसलिए हदीस पाक में फरमाया कि कोई मर्द अजनबी औरत के साथ खिलवत न करे। क्यों? फसाल सुमा शैतान,
इसलिए कि वहाँ तीसरा शैतान होगा, वो तो उनसे गुनाह करवा के उनको छोड़ेगा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि आज अगर हमें ये सिखा दिया गया कि भई सिर्फ़ एक जिस्म की ख्वाहिश पूरी करनी और इसका नाम निकाह है, इसका नाम बीवी है, इसका नाम ज़ौजैन है, तो आज सबसे ज़्यादा बेसुकूनी दुनिया के अंदर पैदा हो चुकी। इसलिए मेरे अज़ीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने ये रिश्ता अता भी फरमाया और इस रिश्ते का मकसद भी ज़िक्र किया कि भई इसके ज़रिए से तुम आपस में एक दूसरे से सुकून हासिल कर लो। लेकिन ये चीज़ें कम क्यों पड़ गई? इसलिए कि कहीं ना कहीं कोताही रह गई है, कहीं ना कहीं, या तो दोनों तरफ है कि न बच्चे को सिखाया गया न बच्ची को सिखाया गया। बाकी सब कुछ सिखाया गया उनको, दुनिया की तालीम तो हम देते हैं, उसकी फ़िक्र भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसकी नफ़ी नहीं है दोस्तों, नफ़ी नहीं। लेकिन ये कि इस बच्ची ने एक दिन घर से जाना है शौहर के पास, इस बच्चे ने एक दिन अपना घर बसाना है, इसको आने वाली ज़िंदगी की समझ देने का तरीक़ा क्या है? याद रखें कि ज़िंदगी की ये समझ इसको सिवाय दीन इस्लाम के और अल्लाह के पाक पैगंबर के तरीक़े के और कोई भी नहीं सिखा सकता। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज जो मामलात की ख़राबी है उसमें आपको ये कोताहियाँ कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगी। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं ना भाई बच्चे भी माशाल्लाह समझदार है, तो फिर आप देखें बच्चे को चेक करें, कहीं दोनों समझदार होंगे और वो घर चलाना भी चाहेंगे, बड़े मसला बनाएंगे, ये अलग मुसीबत है दोस्त। बाज़ दफ़ा आज निज़ाम चलना चाहता है लेकिन दाएं बाएं के लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है जी, कि आप लोग खुश रहें, वो आके टांग डाल देंगे उसके अंदर। तो दीन की समझ हमारे बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, छोटों के लिए भी ज़रूरी है, नौजवानों के लिए भी ज़रूरी है दोस्तों। आज ये सारी चीज़ें कुरान करीम इसकी दावत दे रहा है। और तीसरी आयत में फरमाया कि अल्लाह पाक ने कि कुदरत की निशानी ये है कि तुम्हारी ज़बानें और रंग अलग। देखें इंसान एक जैसी ग़िज़ा आज खा रहा है ना, लेकिन जब अल्लाह पाक का हुक्म होता है, बच्चे दुनिया में आते हैं, आप देखें एक घर के बच्चे हैं लेकिन उसकी आवाज़ में फ़र्क है, इसकी आवाज़ में फ़र्क होता ही नहीं होता, इसकी आवाज़ भारी है, इसकी आवाज़ पतली है, और रंग में फ़र्क है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई अलग ग़िज़ा खाई गई, वही ग़िज़ा खाई, माँ ने भी खाई, वालिद ने भी खाई, वही खाई, और अल्लाह के हुक्म से मिले, बच्चा पैदा हुआ, एक का रंग अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, मिजाज अलग है, बोलने का अंदाज़ अलग है, सारी चीज़ें अलग है। ये इख्तिलाफ़ ज़बान का, रंग का, मिजाज का, ये सब किसकी कुदरत का शाहकार है? अल्लाह के कुदरत का शाहकार। इन चीज़ों पर इंसान आज गौर नहीं करता दोस्त। तो अगर हम इन बातों पर गौर करेंगे अल्लाह की ताकत और कुदरत समझ में आएगी। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और इंशाल्लाह कल अंग्रेज़ी महीने का पहला इतवार है गालिबन, है ना? तो आप जानते हैं कि हर महीने की जो पहली इतवार है उसमें बाद नमाज ईशा हमारी माहाना मजलिस होती है बयान की, ज़िक्र की, मुराक़बे की। तो साथियों से दरख्वास्त है कल इंशाल्लाह इशा के बाद मजलिस होगी और उसमें साथी अहतमाम से शिरकत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिही व असहाबीही अजमईन बिरहमतिका।